Hello everyone, this is Tanuja Gupta. After taking the introductory part of evolution, ठीक है, during this step by step कि हमने सारी theories पढ़ी कि कैसे कैसे, उसमें ही next theory आती है, that is the chemical evolution. This is also called as theory of protobiogenesis. Okay? And one more thing, also called as theory of primary abiogenesis. Okay, this theory was given by a scientist name is Operin and Helden. I mean, two scientists, they gave the theory of this chemical evolution. This is also called as chemogeny. ओके चलिए देखते हैं इसको प्राइमरी ए बायोजेनेसिस क्यों किया कहा गया, क्योंकि इसकी थ्योरी का ही बेस ये था कि जो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के बाद ही उससे क्या हुआ, एक नया लाइफ जनरेट हुआ. तो मतलब इनिशियली एक बार तो ए बायोजेनेसिस थियोरी को फॉलो किया, उसके बाद फिर ये है बायोजेनेसिस ही रहा. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी ए बायोजेनेसिस. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो इनिशियली अर्थ था, अर्थ का एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह से था, मतलब वहाँ के जो अलग अलग कंडीशंस थी उसने ही फेवर किया कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने. ठीक है, इसको हम और अच्छे से देखते हैं. तो ये क्या था कि अर्थ में जो अर्थ की सरफेस पे क्या थे, बहुत सारे मेटल के कंपाउंड्स थे, लाइक मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है, एज वेल एज मेटल कार्बाइड्स. फाइन, इसके अलावा इस पूरे एटमॉस्फेयर में भी क्या प्रेजेंट थे, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, ओके, जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट थे. किस फॉर्म में प्रेजेंट थे, मॉलिक्यूल. तो दिस इज़ द एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट था, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट था मीथेन, अमोनिया, ठीक है, CO2 इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हेयर. फाइन, इतने एंड वाटर, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट थी. ठीक है, इधर से सन का रेज है तो बहुत सारा एनर्जी सोर्स भी था. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन थी जो इसको फेवर कर रही थी, उसके बारे में हम बात करते हैं. पहला कंडीशन था कि जो अर्थ का ये एटमॉस्फियर था पूरा, इट वॉज रिड्यूसिंग इन नेचर. ठीक है, रिड्यूसिंग मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट थी और हाइड्रोजन अबंडेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था. तो ये एटमॉस्फेयर क्या था, रिड्यूसिंग था. ओके, यहाँ पे क्या जा था, टेम्परेचर जो था वो बहुत हाई लेवल का टेम्परेचर था. ओके, थर्ड चीज़ जो यहाँ पे फेवर कर रही है, दैट इज़ दी अ लॉट ऑफ एनर्जी सोर्सेस. ठीक है, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस थे, जैसे कि कौन कौन से, एक तो हो गया ये सोलर रेडिएशंस, ठीक है, सन से जो सोर्सेज आ रहे हैं, इसमें यूवी रेडिएशंस भी हो गए, इसके अलावा कॉस्मिक रेज हो गई, ठीक है, या कॉस्मिक एनर्जीज हो गई, वॉल्केनो इरप्शंस हो गए, तो वॉल्केनो लावा जो था या उससे जो गैसेस रिलीज होती थी उसके थ्रू भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती थी. ठीक है, इसके अलावा क्या, लाइटनिंग, ठीक है, थ्रू लाइटनिंग, थंडर, उसके थ्रू भी बहुत एनर्जी रिलीज होती थी. तो ये सब क्या थे, हाई एनर्जी सोर्सेस थे. इसके अलावा और क्या चीज़ थी, यहाँ पे था कंडेंसेशन. ठीक है, देयर वाज अ कंडेंसेशन एज वेल एज यहाँ पे एवेपरेशन. ठीक है, कंडेंसेशन भी हो रहा था, ठंडा भी हो रहा था, हैंड टू हैंड बॉइलिंग भी हो रही थी. एंड द लास्ट थिंग, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, CO2, वाटर, ठीक है, ये इतने सारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे जो यहाँ पे अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए क्या कर रहा था, उसको फेवर कर रहा था. तो देखिए अभी कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, और ये सारी कंडीशन की वजह से क्या हुआ, ये सारे कंपाउंड्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा कलेक्ट हुए और आपस में रिएक्शन करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ. मतलब कि जब यहाँ पर टेम्परेचर इट अराउंड 600 सेंटीग्रेड से डाउन चला गया, 100
डिग्री सेल्सियस से जब डाउन गया तो ये सब आपस में रिएक्ट करने लगे। रिएक्ट करने की वजह से क्या हुआ, इनकी रेनिंग शुरू हुई, ठीक है, रेन हुआ और ये सब लिक्विड फॉर्म में आ गए, समझ रहे हो। रिएक्ट करने से ये सब लिक्विड फॉर्म में आए, रेनिंग शुरू हुई। जैसे ही अर्थ पर रेन इन द वाटर फॉर्म में आए, एज वेल एज क्योंकि टेम्परेचर इतना तो हाई था, फिर हैंटोइन क्या हुआ, इसका इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, वापस ये इवेपोरेट होकर ऊपर गए, फिर अगेन कंडेंसेशन हुआ, फिर वापस ये नीचे इन द फॉर्म ऑफ रेन वापस वाटर के फॉर्म में अर्थ पे आए। तो ये जो प्रोसेस था एवेपरेशन कंडेंसेशन, ये बहुत ईयर्स तक चलता रहा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर अर्थ पे क्या बन गए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस बने, ठीक है, लेक बनी, रिवर्स बने, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वाटर बॉडीज़ बन गए, जिसमें क्या हुआ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर था और वाटर के साथ ही ये सब के सॉल्ट्स प्रेजेंट थे। गेटिंग मी, इन सब के सॉल्ट्स प्रेजेंट थे क्योंकि यही सब तो इवेपोरेट होकर वापस कंडेंस होकर वाटर के फॉर्म में यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्या बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ठीक है। क्या क्या थे उस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि यहाँ पे बना फैटी एसिड, ठीक है, इसके अलावा यहाँ बना ग्लिसरीन, फाइन, बिसाइड्स ऑफ एट क्या बना यहाँ पर, दैट इज प्यूरिन, पायरिमिडिन, ओके, अमाइनो एसिड, समझ में आ रहा है। ये सब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, उसके बाद ही ये सब सारे सिंपल कंपाउंड भी फर्दर क्या हुआ, वाटर का यहाँ से इवेपोरेशन हुआ और वापस ये और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ गए और फिर वापस से और ज़्यादा रिएक्शन करने की वजह से ही अल्टीमेटली क्या बनाया इन्होंने, इन्होंने बनाया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आ जाएंगे, फोर मेन चीज़ें आ गई, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट, जिसका पॉलीसेकेराइड्स भी बोल सकते हैं, फिर नेक्स्ट इज फैट, देन उसके बाद प्रोटीन और फिर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये चार चीज़ें बनी और अल्टीमेटली इससे ही क्या बना, डीएनए, एंजाइम्स, ये सब बने और अल्टीमेटली एक लाइफ जनरेट हुई जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को शो करता है, ठीक है। यहाँ फिलहाल हम केमिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से समझ में आया कैसे स्टेप, तो मैं एक बार पूरा समराइज फॉर्म में बताती हूँ। बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन, क्या क्या कंडीशन थी, हाई रिड्यूसिंग एटमोसफियर, हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी सोर्सेज, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड सो मेनी एलिमेंट which were present in the atmosphere like hydrogen, water, methane, ammonia, ठीक है। ये सब क्या थे, कंडेंस होकर क्या हुआ, वापस इवेपोरेट हो रहे थे, फिर कंडेंस हो रहे थे, फिर इवेपोरेट हो रहे थे, फिर कंडेंस, इन दिस लास्ट फॉर्म वाटर बॉडीज में ये सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में हमें मिले। क्या क्या मिले, फैटी एसिड, ग्लिसरीन, प्यूरिन, पिरामिडिन, अमीनो एसिड, ये सब मिले। फर्दर ये कंडेंस हुए, फर्दर मतलब रिएक्शन हुई और फिर उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया विच वर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने एंड अल्टीमेटली दे leads to give arise a new life, ठीक है। वो क्या था, biological evolution को show करता है, मतलब फिर वो biological era आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इतना समझ में आया, fine। इस पूरी चीज़ को कि मतलब एक chemically एक life originate हुई, एक inorganic substance, एक organic substance बना, इसको दो scientists थे जिन्होंने इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था पहले भी। दो साइंटिस्ट नेम वर, दैट इज़ दी यूरे एंड स्टेनले मिलर, ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो अब देखते हैं कि वो क्या एक्सपेरिमेंट था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट का पूरा इस तरह से परफॉर्म किया गया, क्या क्या उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली। द फर्स्ट चीज जो उन्होंने ली, दैट इज़ दी स्पार्क चैम्बर, ठीक है, एक स्पार्क चैम्बर लिया जिसके अंदर कौन थे, टू इलेक्ट्रोड्स थे,
ओके, ताकि वो हाई लाइटनिंग प्रोवाइड कर सके, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ पे जो जो एटमॉस्फेयर थी जिसने लाइफ को सपोर्ट किया ओरिजिनेट होने में, उसमें फर्स्ट था कि हाई एनर्जी सोर्स था और उसमें लाइटनिंग था जो वो हाई एनर्जी सोर्स था. तो यहाँ पे जो स्पार्क चैम्बर था, दिस वॉज फॉर दी लाइटनिंग, फॉर दी हाई एनर्जी सोर्स. तो दिस इज दी स्पार्क चैम्बर, जहाँ पे क्या थे, सारी गैसेज ली गई, सारे एलिमेंट्स लिए गए. मतलब कि सेकेंड चीज़ क्या थी, सारी गैसेज ली गई जो लाइफ जहाँ अर्थ पे भी मौजूद थी. दैट वॉज दी मिथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन. ठीक है, ये सब इसी चैम्बर के लिए गए और ये दोनों इलेक्ट्रोड से उनको कनेक्ट किया गया. ठीक है, उसके बाद क्या, नीचे एक और चीज़ ली गई, दैट इज़ दी कंडेंसर. ठीक है, कंडेंसर. इस कंडेंसर का रोल क्या था कि यहाँ से जो भी चीज़ आएगी इवेपोरेशन फॉर्म में आएगी उसको कंडेंस करना और यहाँ से क्या बनना, उसको लिक्विड की फॉर्म में बनाना. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो बनता है वो लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्डन सूप. ठीक है, जब ओपेरिन हेल्डन ने थ्योरी दिया तो उन्होंने बताया कि जब पूरा रिवर लेक ये सब बने और सारा लिक्विड नीचे अर्थ पे आया तो उस वाटर बॉडीज़ में उस लिक्विड को क्या बोला गया, हेल्डन सूप बताया गया. ठीक है, तो यहाँ पे हेल्डन सूप है. नाउ नेक्स्ट इज़ यहाँ पे एक फ्लास्क लिया गया फॉर बॉयलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉयलिंग फ्लास्क लिया गया. ठीक है, जिसमें टेम्परेचर अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना बॉयल करना था कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वो रीच कर सके. ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स वर टेकन. अब एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉड यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, ओके, यहाँ से वाटर बॉयल हो रहा है, इस वाटर बॉयल होने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेट होके यहाँ पे इवेपोरेशन के थ्रू एयर सारी प्रेजेंट थी ना, स्पार्क होने की वजह से इन सब एलिमेंट्स में क्या हुआ, आपस में रिएक्शंस हुई, आपस में इन्होंने रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाए. ये सारे कंपाउंड अलोंग विद दिस एयर या नीचे पास ऑन हो रहे हैं, जहाँ पे वो किसकी कांटेक्ट में आए, कंडेंसर के कांटेक्ट में. जैसे कंडेंसर मिला तो क्या हुआ, ये सारी जो एयर थी वो लिक्विड में चेंज हो गई, यहाँ पे मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए. यू कैन सी दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, ये वाटर ड्रॉपलेट्स ट्रैवल करके वापस किस में आए, इस बॉयलिंग वाटर में ही आ रहे हैं. ठीक है, अगेन यहाँ से वापस टेम्परेचर हाई होने की वजह से वापस इवेपोरेशन हो रहा है, वापस वेपर्स यहाँ से जाकर फिर वापस में से कंपाउंड को कलेक्ट करती है. अगेन यहाँ कंडेंसर की वजह से वो लिक्विड होके, लिक्विड में कन्वर्ट होके या वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके फिर वापस बॉइलिंग वाटर में मिलती है. ठीक है, तो इस कंटेनर में जब लेटर ऑन पूरा एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया, अराउंड 18 डेज तक इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया, मतलब बॉइलिंग कंडेंसेशन, बॉइलिंग कंडेंसेशन, ऐसे कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया. लेटर ऑन इस वाले लिक्विड ब्रॉथ में जब टेस्टिंग किया गया तो इस ब्रॉथ में क्या क्या मिला, दे फाउंड वेरियस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिस लिक्विड, दैट वॉज अराउंड 15 अमीनो एसिड उसमें मिले. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वर ऑल्सो फाउंड इन दैट लिक्विड. ठीक है, इसके अलावा प्यूरिन भी मिला, वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो फाउंड इन दिस बॉइलिंग वाटर. ठीक है, लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से और दूसरे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाने में वो सक्सेसफुल हुए, जैसे कि शुगर भी बनाया उन्होंने. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी बना, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एवरीथिंग वाज फॉर्म इन लैब. ठीक है, तो यानी कि उससे ये प्रूव हुआ कि कुछ ऐसा ही था अर्थ पे भी, इनिशियली जो भी एटमॉस्फेयर, जो भी कंडीशंस थी उसने फेवर किया ये सारे एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट कराकर अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया. ठीक है, तो दिस वॉज प्रूव बाय दिस एक्सपेरिमेंट नोन एज यूरे एंड मिलर और मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट. एंड ये एक्सपेरिमेंट और कैसे प्रूव हुआ कि जो मेटेरॉइड्स है उसमें भी कुछ इस तरह के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले. ठीक है, तो उससे प्रूव हुआ कि अच्छा ठीक है, ऐसा लाइफ दूसरे मेटेरॉइड्स पे भी पॉसिबल है, वहाँ पे भी कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर रहा होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इवोल्यूशन. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. अभी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन गया, अब इसके बाद सबसे पहला लाइफ क्या जनरेट हुआ, सबसे पहले कौन सी सेल जनरेट हुई, उसके बाद कैसे कैसे एक ह्यूमन बींग बना, वो सब हम उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.